हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 12 की मैथ का समाकलन वाला चैप्टर कराऊंगा। तो प्रश्नावली 7 के पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए जाएं, ठीक। तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस के सी, ठीक, एक्स की पावर एन। एग्जाम्पल जैसे कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे, कोई भी एक्स की पावर 2, तो इसका समाकलन क्या होगा आपका एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस के सी, यानी एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस के सी, ये आपका समाकलन होगा। इसी प्रकार ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का समाकलन ई टू दी पावर एक्स ही होता है और इसका अवकलन भी यही होता है। और इसी प्रकार वन अपॉन एक्स टी एक्स, वन अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स और प्लस में क्या लगाएंगे सी, ठीक। ये दो बार रिपीट हो गया, इसको जैसे किताब में लिखे दे रहा है यही होगा। ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स जहां ए एक अचर राशि है या संख्या है, ये क्या है आपकी एक अचर संख्या है। तो यानी इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होगा आपका 2 की पावर एक्स बटे लॉग ई बेस 2 इसका, और प्लस के साथ में क्या रहेगा सी, ठीक। इसी प्रकार साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का समाकलन होता है कॉज एक्स माइनस के प्लस के सी, और कॉज एक्स, कॉज एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस के सी। इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस के सी, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी। इसी प्रकार समाकलन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है आपका सेक एक्स प्लस के सी। इसी प्रकार कॉस एक्स कॉट एक्स का समाकलन होता है आपका कॉस एक्स प्लस के सी माइनस वाला, ठीक। ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए, अभी 11 फॉर्मूले हैं समथिंग, ठीक। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की पावर 6, तो इसका होगा 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 यानी एक्स की पावर 7 बाई 7 प्लस के सी। इसी प्रकार इसका समाकलन दूसरे क्वेश्चन का एक्स की पावर माइनस 5 यानी एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 1 बटे माइनस 5 प्लस 1 यानी एक्स की पावर माइनस 4 बाई 4 प्लस के सी। इसी प्रकार एक्स की पावर माइनस 1 बटे 3 डी एक्स, इसका समाकलन होगा आपका एक्स की पावर 1 बाई 3 प्लस के 1 बटे माइनस 3 प्लस के 1 यानी इसका होगा आपका एक्स की पावर 2 बाई 3 अपॉन 2 बाई 3 यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 और एक्स की पावर 2 बाई 3 प्लस के सी। इसी प्रकार अब जैसे आपका आ गया, अभी जस्ट ऊपर बताया 2 की पावर एक्स का, तो 2 की पावर एक्स बटे लॉग ई बेस 2 प्लस के सी, इसका समाकलन ही होगा। इसी प्रकार अब क्वेश्चन है आपका समाकलन बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स, तो इसको लिखेंगे हम पहले समाकलन बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर ए। अब बी की पावर ए अचर राशि है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे यानी बी की पावर एक्स डी एक्स इसका समाकलन करेंगे। तो देखो आपका जैसे ए टू दी पावर एक्स का होता है ए सी का होता, तो क्या हो जाएगा बी टू दी पावर एक्स बटे लॉग ई बेस बी प्लस के सी, ए इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, इसको लिख लो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है कॉज स्क्वायर एक्स बटे, और इसको लिख लो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब चौथा सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर और ये वाला इसके साथ, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन बटे कॉज क्या होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का हमने अभी समाकलन देखा था, तो सॉरी टेन स्क्वायर एक्स के लिए हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स ए लिखेंगे। अब इसका अलग अलग निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होगा आपका टेन एक्स और माइनस 1 का होगा आपका एक्स प्लस के सी, ए इसका आंसर है।